चैनल की सारी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल बटन को भी प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं ईएपी का यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस संडे वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे नए मेंबर हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड पास वाली बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस करें। एंड इसके साथ ही एक मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। 7 सितंबर को हमारे नेक्स्ट बैच के लिए हमने अपना डेमो क्लास प्लान किया था, लेकिन उसको हमने प्रीपोन करके 6 को लिया एंड वो डेमो क्लास जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। बहुत लोग आए, जिन्होंने भी ज्वाइन किया उनको थैंक यू सो मच। एंड जिन्होंने मिस किया है वो चैनल पे यहाँ पे वीडियो पड़ी हुई है, इस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। एंड सीट बुकिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप हमारे नेक्स्ट बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। तो आइए अब हम अपने संडे वीडियो पे चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको रिकैप देते हैं, रिकैप बताते हैं, रिकैप दिखाते हैं। तो लास्ट वीक का रिकैप ये है कि जितने भी स्टॉक स्पेसिफिक थे, चाहे एचयूवी ले लीजिए, चाहे एचपीसीएल, चाहे बीपीसीएल, टीसीएस, आईसीआई प्रो, टोरेंट फार्मा, ये सारे ने ऑलमोस्ट जिस हिसाब से हमने प्रेडिक्शन किया था, जिस हिसाब से लेवल दिया उसको उन्होंने फॉलो किया एंड बढ़िया बढ़िया टारगेट दिया है। जैसे एचपीसीएल बीपीसीएल का मैंने स्पेशली आके चैनल पे मॉर्निंग में हिंट दिया मंडे को कि एचपीसीएल के साथ बीपीसीएल को भी शामिल कीजिए एंड दोनों ने 3% का फॉल दिया। इंडेक्स पे जो हमारा व्यू था, इंडेक्स पे जो हमारा लेवल था, लेवल के अनुसार मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन हमारा क्लियर इंस्ट्रक्शन था, क्लियर हमारा क्लू था उस पर कि अगर इसके ऊपर निकलता है तभी बाई करना है, तभी फ्रेश मूव आएगी एंड वो नहीं आई, गैप डाउन हुआ, मार्केट सेल ऑफ हो गया। एंड उसके साथ हमारा जो हिंट था मेन वाला, जो कि सितंबर एक्सपायरी के लिए पोजीशन बियरिश है, जो कि एज ऑन डेट भी है, उस समय भी शेयर किया था कि सितंबर सीरीज के लिए निफ्टी पे जो पोजीशन है वो बियरिश बनी हुई है, यानी कि पोजीशन जो है वो अपनी कटने को तैयार नहीं है, यानी कि अपर लेवल पे सेलिंग आएगी आएगी। उसी तरीके से लाइव अपडेट भी दिया था चैनल पे बीच में एक दिन जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था कि बी कॉशन, बाई करना है एक्सपायरी के दिन, बाई करना है, मार्केट ऊपर गया एंड सेकेंड ट्रेड था कि अपर लेवल पे सेल भी करना है क्योंकि पोजीशन ऑल ओवर बेरिश है एंड मार्केट वहां से वन साइडेड फॉल हुआ एक्सपायरी के दिन एंड बढ़िया तगड़ा 400-500 को पॉइंट दिया एंड बाई में भी जो है 3-400 पॉइंट का जो है टारगेट आया। तो ये हमारा वे है। तो आइए अभी हम जो है उस अपने वीडियो पे चलते हैं, उसका रिकैप सुनते हैं कि मैंने क्या बोला, एंड क्या हुआ। ये हमारी वीडियो है निफ्टी बैंक निफ्टी एडवांस लेवल 3-6 सितंबर के लिए हमने अपलोड किया था। एंड जो भी केवल हमें यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं उनको ये जैसा लगता है कि ये वीडियो जो है 3-6 के लिए है तो 100% 3-6 रहेगी, ऐसा नहीं है। बीच में जो भी हमारा अपडेट होता है वो चैनल पे आता है। तो अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कीजिए, सो डैट अगर बीच में इन बिटवीन कोई अपडेट हो रहा है तो मैं अपडेट करूँगा। जैसे जो भी छोटे मोटे टारगेट वाले ट्रेड थे एंड उनका बड़ा टारगेट पहले दिया था, लेकिन जब छोटे टारगेट के लिए दिखने लगे कि अब इसके ऊपर नहीं जाएगा या मार्केट वीक हो रहा है तो क्लियर सा है कि हमें छोटे प्रॉफिट को बुक करके एग्जिट होना है। तो ये सारा अपडेट चैनल पे ही मिलेगा, ये सारा अपडेट यूट्यूब पे आपको तुरंत नहीं मिल सकता है, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। एंड इस समय के मार्केट में आप चाहे अपने से भी ट्रेड ले रहे हो, प्रॉफिट बुकिंग के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, प्रॉफिट बुकिंग तुरंत कीजिए दौड़ के, क्योंकि इंडिया विक्स का लेवल आप देख रहे हो, मार्केट की वोलेटिलिटी देख रहे हो, मार्केट में कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो हायर चांस है कि अगर 132 का टारगेट है तो 131 का हाई लगा कर वो गिर जाए, डिप मर जाए। तो इसलिए टारगेट को जो है बुक करना है, टारगेट बुक करने में पीछे नहीं रहना है, मार्केट जो है दोनों साइड से गुल खिला रहा है, तो इस चीज़ को जो है तैयार रहिए इस चीज़ को सुनने समझने के लिए, ठीक है। तो आइए इस हमारे जो संडे वीडियो था लास्ट वीक वाला उसके रिकैप को सुनते हैं कि हमने क्या बोला था एंड क्या हुआ, ऐसा हुआ या नहीं हुआ, आइए सुनते हैं। 10,923 से 11,200, 10,900 से जो है निफ्टी का सपोर्ट रहेगा इस वीक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड अपर लेवल पे 11,200 जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। 11,200 के ऊपर अगर निफ्टी किसी भी दिन क्लोजिंग देगी तो फ्रेश मूव की एस्पेक्ट आप लगा सकते हो एंड यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, वो पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर कंप्लीट होगा तो उस हिसाब से बड़ा टारगेट हो जाएगा, वो मैं चैनल पे अपडेट जरूर करूंगा अगर वो मेरा पैटर्न कंप्लीट हो जाता है तो। अभी उसमें 80% फॉर्मेशन हो गया, 20% लेफ्ट ओवर है, ठीक है। तो ये निफ्टी की रेंज है, लेकिन ओवरऑल जो सितंबर सीरीज की पोजिशन बन रही है वो निगेटिव साइड में बन रही है निफ्टी में, ठीक है। इस चीज़ को मत भूलिएगा कि नेगेटिव साइड में ऑल ओवर जो सितंबर एक्सपायरी का जो पोजीशन है एज ऑन डेट तक, आगे जो चेंज होगा डेवलप होगा वो मैं अपडेट दूंगा,
तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि मैंने बोला था क्लियर कि जो ऑल ओवर की जो पोजीशन है निफ्टी की वो निगेटिव ही है एंड निगेटिव ही हुआ। एंड जो लेवल मैंने दिया था उस लेवल के ऊपर जब सस्टेन होगा तभी हमें बाई करना है, तो लेवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो हमारा बाई भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो सेकेंड व्यू आपको इमीडिएट जो है रिव्यू करके सेल मारना था, क्यों? क्योंकि मार्केट जो है गैप डाउन हो रहा है, सस्टेन हो रहा है, आप देख रहे हो कि एंड लास्ट में मैंने हिंट दिया हुआ है कि मार्केट जो है ऑल ओवर जो है बेरिश पोजीशन में ही है, तो मार्केट ने हमने बेरिश गेम को ओपन कर दिया। एंड जिन्होंने भी इस बात को समझा एंड वो एक्टिव थे उन्होंने ट्रेड लिया एंड वो प्रॉफिट लिया। तो आइए अब जो है हम नेक्स्ट वीक के वीडियो पर चलते हैं कि नेक्स्ट वीक के वीडियो में हमारा क्या है, क्या लेवल है, क्या हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले निफ्टी, जो निफ्टी की रेंज है 10,735 से लेके 10,990, 10,735 से लेके 10,990 एंड 10,990 एक इस वीक के लिए एक रिवर्सल पॉइंट होगा डाउनसाइड के लिए निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी को रिवर्स लेना है एंड इस लेवल से अगर लेगी तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो 10,990 का मैंने दिया हुआ है। 10,990 के ऊपर अगर क्रॉस करके उसको होल्ड कर ले निफ्टी, उसके ऊपर बंद दी, तब आपको मूव जो है अगेन 11,200 वाली मूव जो है आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर 10,990 के पास कभी भी रुक गई, स्मॉल एसएल के साथ भी बिल्कुल सेल कर सकते हो क्योंकि ये निफ्टी का एक रेजिस्टेंस एंड रिवर्सल पॉइंट है, ठीक है। उसी तरीके से इम्पॉर्टेंट एक सपोर्ट है जो इमीडिएट सपोर्ट है सबसे पहले कि, तो जो इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है पहला वो है 10,840 पे जब निफ्टी आएगी तो आपको रिव्यू लेना है। अगर 10,840 को होल्ड करती है तो अगेन आप जो है 10,735 के सेल से बाई कीजिए। अगर 10,840 को नहीं होल्ड करती है तो उसके बाद जो निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो होगा 10,735। तो ये जो वीक की रेंज है 10,735, 10,990। अब आती है व्यू की बात। व्यू जो है इस बार भी, इस वीक के लिए भी निफ्टी पे बुलिश कम बेरिश ज़्यादा है, ठीक है। बुलिश कम बेरिश ज़्यादा को कैसे प्ले करेंगे आप? बुलिश कम अगर मार्केट आपको दिख रहा है कि प्लस में है, ये जो क्लोजिंग हुई है 10,946 इसके हाई के ऊपर होल्ड कर रहा है, वॉल्यूम आपको दिख रही है, कहीं थकावट नहीं दिख रही है, तो आप 50 से 60 70 पॉइंट के लिए बाई कीजिए विथ कॉशन एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। क्यों? क्योंकि मार्केट में अभी भी पोजीशन जो बड़े टाइम फ्रेम पे यानी कि जो सितंबर एक्सपायरी की है निगेटिव, इसलिए हम हर हाई लेवल पर जाके स्टक्ट होते हैं एंड हर हाई लेवल पर जाके जो है स्ट्रॉन्ग वाली सेलिंग आती है। आप देख लो मूव में कभी भी अगर मार्केट मूव हुआ है तो 50 से 60 पॉइंट एंड फॉल हुआ है तो 100 से 150 पॉइंट। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मार्केट में अगर बाई करना है तो विद कॉशन एंड अपर लेवल पे जो है सेलिंग के लिए रेडी रहना है। जो नेक्स्ट है हमारा वो है बैंक निफ्टी। जो बैंक निफ्टी की जो रेंज निकल के आ रही है इस वीक के लिए वो है 26,723 से लेकर 27,698। अब जो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस की लेवल इम्पॉर्टेंट लेवल है इस वीक के लिए, मेक एंड जो ब्रेक लेवल कह सकते हैं, वो है 27,698 एग्जैक्ट पिन पॉइंट लेवल है ये, इसको बिल्कुल नोट करके चलिएगा। अगर बैंक निफ्टी ने यहाँ से रिवर्स लिया तो आपको जो है 300 पॉइंट 200 पॉइंट का मूव जो है तुरंत एक उसमें मिलेगा, एक मतलब कहते हैं ना मिलेगा, जैसे लास्ट वीक में हमारा ट्रेंड फार्मा के ट्रेड में टारगेट मिला था एक राइज में 20 को जैसे क्रॉस की उसे 30 के बाद 35 15 पॉइंट इमीडिएट 5 पॉइंट ऐसे ट्रेड होते हैं इंट्राडे के लिए स्पेशली। तो ये होगा अगर इस लेवल पे बैंक निफ्टी एक से दो मिनट भी वहाँ पे सस्टेन, जैसे वो दिख गया कि आपको स्टक हो रही है सेल की, जो तुरंत 100-200 पॉइंट तुरंत मिलेगा क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो उसी तरीके से जो नेक्स्ट इसका जो सबसे पहले जो इमीडिएट सपोर्ट निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में वो है 26,910 का, 26,910 का इमीडिएट सपोर्ट है एंड उसके बाद है 26,723। तो होपफुली कि इस वीक में ये लेवल जो है प्ले होगा एंड बैंक निफ्टी की जो पोजीशन है वो ना बेरिश साइड ना बुलिश साइड, मतलब बुलिश साइड किसी साइड भी क्लियर नहीं हो रही है डेटा के हिसाब से, मतलब कंफर्मेशन वाली मल्टी कंफर्मेशन जो हमारी ट्रेड है उसमें ऑप्शन चेन के डेटा एनालिसिस में, लेकिन उसमें से एक जो कंफर्मेशन है वो ये शो कर रही है कि इसमें भी पोजीशन निगेटिव ही बनी हुई है, ठीक है, उसमें भी वो पोजीशन जो है निगेटिव ही बनी हुई है। तो बैंक निफ्टी में भी कौशन लेके चलना है एंड सबसे मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं अभी शेयर करने जा रहा हूँ वो ऑलमोस्ट आपको होने के बाद पता चलता है या बहुत लोग नहीं करते होंगे या आपको और वीडियो में नहीं मिलेगा, उसको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगले वीक मार्केट जो परफॉर्म करेगा, मार्केट जो डांस करेगा वो फेड के
वर्ड्स पे करेगा, क्योंकि फेड का वर्ड्स जो है अगले वीक, फेड का जो वर्ड्स अगले वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर जो है मार्केट जो है परफॉर्म कर सकता है, उसके बातों को सुन सकता है कि फेड जो है क्या कह रहा है, क्योंकि उनकी बात आनी है, तो उसके हिसाब से मार्केट जो है परफॉर्म कर सकता है। एंड नेक्स्ट वीक एक डेटा है जो निफ्टी और बैंक निफ्टी ये जो एक दिन चले हैं, इसके चलने के पीछे का रीजन मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके चलने के पीछे रीजन है एक नॉन फॉर्म पेरोल का डेटा आता है यूएसए से, हर मंथ एंड में आता है, मंथ एंड या नेक्स्ट वीक के फर्स्ट वीक में आता है, वो बुलियंस के लिए जो है काफ़ी इफेक्ट करता है। गोल्ड में जो करेक्शन हुआ दो दिन, उसी डेटा के आधार पर हुआ है। जो जॉबलेस क्लेम का डेटा था वो अच्छा आया था, तो वो जो है बुलियन के लिए निगेटिव था, इसीलिए बुलियन में जो है करेक्शन आया। तो अगर आप लोगों में से कोई भी, जैसे अगर आप चाहते हैं कि इस वीक के लिए जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है अगर उसको भी यूट्यूब वीडियो में कवर किया जाए, सो डैट जो भी इक्विटी कमोडिटी वाले ट्रेडर हैं उनको उस डेटा के हिसाब से हेल्प मिले, इंक्लूडिंग इन्वेंट्री, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि यस सर, इस जो है न्यूज़ को जो है इंप्लीमेंट करना चाहिए, आप इसको कवर कीजिए, क्योंकि कमोडिटी का जो मार्केट होता है मैक्सिमम जो है स्पेशली बुलियन रीजन, उसमें न्यूज़ का काफ़ी इंपैक्ट होता है। अगर कोई बड़ा न्यूज आ रही है तो जैसे नॉन फॉर्म पेरोल, इस दिन गोल्ड में जो है 1000 पॉइंट के मूव जो है हमेशा रखी रहती है। इसमें नॉन फॉर्म पेरोल के डेटा के दिन बैंक गोल्ड में सिल्वर में 1000 पॉइंट के मूव जो है हमेशा रखी रहती है। आप चेक कर लेना मंथ एंड में जब भी नॉन फॉर्म पेरोल आता है उस दिन गोल्ड एंड सिल्वर जो है 1000 पॉइंट का मूव जो है ऊपर नीचे देते हैं डेटा के अनुसार। तो अगर आप में से कोई भी चाहता है कि इस डेटा को कवर किया जाए जो भी इस वीक में या नेक्स्ट वीक में जो भी आते हैं, तो आप मुझसे शेयर कीजिएगा, मैं उस चीज़ को जो है इसमें शेयर करने की कोशिश करूँगा। आप वीडियो में उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, आप जो भी फॉलोअर हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए मेरे लिए, क्योंकि एक लाइक तो बनता है। मान लीजिए कि आपको जो है जो भी लेवल दिया जाता है ऑलमोस्ट 90% की एक्यूरेसी है। अभी तक देखो बैंक निफ्टी में 2000 पॉइंट का भी टारगेट दिया हमने, निफ्टी में 1000 पॉइंट का भी टारगेट दिया, स्टील अपना जो बड़ा वाला टारगेट पेंडिंग है वो भी आपके साथ शेयर किया है। तो एक दूसरे की हेल्प के लिए या सपोर्ट करने के लिए, या अगर आपको लग रहा है कि यस वीडियो अच्छी है, लेवल अच्छे जा रहे हैं, तो एक लाइक बनता है, तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए। लाइक बटन को प्रेस करने में आपका कोई भी मतलब वो नहीं है, बस आपको एक हैंड उठाना है, लाइक पे प्रेस कर देना। मुझे नहीं लग रहा है कि इतनी थकावट होनी चाहिए लाइक बटन प्रेस करने में, सो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन। ओके ठीक है, नेक्स्ट हम अपने स्क्रिप्ट पे चलते हैं। एज पर स्टॉक स्पेसिफिक जो हमारा होता है, जैसा कि हम आपको पता है कि 2-3 स्टॉक भी आपके साथ शेयर करते हैं, सो डैट आपको स्टॉक स्पेसिफिक हेल्प हो। एंड अगर आपकी स्टॉक कोई क्वेरी हो, कोई आपकी पोजीशन है, तो जैसे बहुत लोग मुझे ऑप्शन के लिए पूछे थे, मैंने उनको रिप्लाई किया, एंड आई होप उनकी हेल्प हुई होगी, उम्मीद करता हूँ। जिन्होंने भी आके कमेंट किया मेरे इसमें कमेंट बॉक्स में, अपने ऑप्शन चैन के बारे में पूछा, उनको मैंने व्यू दिया, एंड वो व्यू अगले दिन परफेक्ट हुआ। आप उनके कमेंट को देख सकते हो, वहाँ पे मैंने रिप्लाई भी किया है। तो अगर आपको भी अपने किसी पोजीशन पे जहाँ स्टक हो रहे हो, तो आप वीडियो में आके कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो में आके कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई वहीं पे मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा जो स्टॉक स्पेसिफिक, उसमें पहला जो स्टॉक हमने पिक किया है वो है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 590। ये लेवल जो है एक रेजिस्टेंस भी है, इम्पॉर्टेंट लेवल भी है। अगर इस लेवल के ऊपर मुथूट सस्टेन होगा तभी बाई करना है, अगर नहीं होगा तो सेल करना है, एंड सेल भी करना है तो 590 के SLJ ही सेल करना है। सेल तब करना है जब 500 मार्केट जो है 584 के नीचे ही ओपन हो, एंड वहीं से नीचे चलना स्टार्ट करे तभी सेल करना है, अदरवाइज नहीं सेल करना। अदरवाइज कहीं गैप अप हुआ तो वेट कीजिए, 590 लेवल को देखिए क्या कर रहा है, 590 के पास आ रहा है, अगर सस्टेन हो रहा है स्मॉल एसएल के साथ बाई कीजिए, 10 से 20 पॉइंट के टारगेट के लिए आराम से मिलेगा। लेकिन इस लेवल को ध्यान में रखिए, ये किस लेवल पे नहीं करना है कि मार्केट खुला नहीं उसको टच किया, नहीं कि बाइंग बिड डाल दिया, नहीं, आप उसको वेट कीजिए ट्रेड लेने। अगर ऊपर जाएगा तो भी नीचे एक बार आपको उसी समय दे देगा, इतना ऊपर नहीं चला जाएगा टारगेट के पास तुरंत। ठीक है, तो हरी नहीं होना है ट्रेड के लिए, ट्रेड अगर अपने लेवल पे अगर अपने हिसाब से आता है तभी हमें ट्रेड करना है, नहीं तो नहीं। मेरा मोटो यही है कि मैं आपको सेफ जो है एडवाइस दूं, सेफ ट्रेड दूं एंड सेफ लेवल दूं। अगर नहीं हो रहा है तो हमें ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, हम फिर नेक्स्ट स्क्रिप्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो जंप करके कुछ भी नहीं करना है, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, मार्केट का डिसिप्लिन होता है। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है PVR। आपको पता है PVR पे हमने 2-3 कॉल दी थी इस वीक में, एंड दोनों कॉल जो है सक्सेस रही। तो अब जो है ये वाली मूव जो मिस हो गई, क्योंकि ड्यू टू सम बिजी रीजन, एंड ये PVR के मूव आनी थी, मुझे पता था ये साओ इफेक्ट है, जो अभी मूवी जो है रिलीज हुई है उसमें बहुत कमाई हुई है, तो उसका सारा इफेक्ट जो यहाँ दिख रहा है। अब अगर बाई करना है हमें तो इसके ऊपर, हाई के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो आप 10-15 पॉइंट के लिए तो आराम से बाई कर सकते हो, तुरंत मिल जाएगा।
लेकिन अगर ये कहीं ओपनिंग होता है 1564 के नीचे ही, तो थोड़ा सा कॉशन लो, वेट करो। एंड 1524 लेवल है जो एक डीप बाइंग होगी, पिन पॉइंट बाइंग होगी, जैसा मैं एक दो पॉइंट के सेल से देता हूँ, वो वाला लेवल है 1524। अगर इसके आसपास हेयर एंड देयर आपको दिखे पीबीआर कि यही लो लगाया, यही घूम रहा है, यहाँ से सपोर्ट लेके इंट्राडे में ऊपर की तरह मूव लेना स्टार्ट करता है, तो आप यहाँ पे इस लेवल पे इसको बाई करके चलिए। उस समय आपको 30-40 पॉइंट की मूव जो है आराम से मिलेगी मार्केट के फेवर के अनुसार, ठीक है। एंड वहाँ पे एसएल भी 10 से 15 पॉइंट का ही लेना है, एसएल ज़्यादा नहीं लेना है, मेरा एसएल छोटा ही होता है, मैक्सिमम जो है यही एसएल होता है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड एंड मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 10,000 के लिए ट्रेड कर रहा हूँ तो एसएल जो है 30,000 का लगा दूंगा, नहीं, ठीक है। तो और मेरा अभी एसएल जो है 10 पॉइंट के लिए इसलिए आ रहा है कि मार्केट वोलेटाइल, नहीं तो मेरा 2 पॉइंट का ही एसएल होता है 10 पॉइंट के टारगेट के लिए। प्रीवियस हिस्ट्री आप मेरे चैनल पे कॉल को स्क्रॉल कीजिए, चेक कीजिए, हमारा 1:1 का भी रेशियो नहीं होता, 1:3 का रेशियो होता है, एंड वो टारगेट इंट्राडे में ही आता है। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है पीवीआर के बाद वो है आरईसी। आरईसी में दिख रहा होगा सबको कि बहुत बड़ी मूव हुई है, अच्छी खासी मूव हुई है, ठीक है, अच्छी खासी मूव हुई है, लेकिन एक मैं लेवल दे रहा हूँ, इसको नोट करके रखिए एंड इसको फॉलो कीजिए। एक लेवल है इसका 154 से लेकर 155 के बीच, 154 के 155 के बीच, अगर इस लेवल के पास आता है तो आरईसी को रिव्यू लीजिए, 100% वहाँ से एक जो है रिवर्स मारेगा नीचे साइड में, उसको क्रॉस नहीं करेगा फर्स्ट टाइम में, दूसरी टाइम में क्रॉस करेगा तो आप उसको जरूर बाई कीजिएगा, लेकिन फर्स्ट टाइम में इस लेवल को टच करके आपको एक छोटा सा फॉल जरूर देगा, तो आप इस लेवल पर सेल कर सकते हो। ये एक मेरा बहुत ही हिडन लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, तो इसको जो है नोट कर लीजिएगा, अपने रिमाइंडर में लगा लीजिएगा, अपने अलर्ट में लगा दीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा स्क्रिप्ट है, जैसा कि हमने बताया था लास्ट वीक में कि हम जो है ट्राई करेंगे कि अपने वीडियो में जो है कम्युनिटी को भी इंक्लूड करें, तो अभी सिर्फ हम क्रूड को ही कर रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में जैसा भी उचित टाइम होगा, उचित समय होगा, उस हिसाब से हम अपने उसको बढ़ाते जाएंगे। एंड अपने स्टूडेंट को हमने क्रूड की कॉल दी थी, दो कॉल दी इस वीक में, दोनों सुपर हिट रही, अच्छे खासे प्रॉफिट आए, ठीक है। इसी लेवल को फॉलो करते हुए दिया था, लेवल आपको भी दिया था, अगर आपने उस लेवल को प्ले किया होता जो कि हमारा लेवल था, हमने दिया था क्लियरली कि 4100 से 3830 एंड दूसरा था 4120, यही ऑलमोस्ट लेवल था, एग्जैक्टली अगर मुझे ना याद हो तो सॉरी, लेकिन मेरा लेवल यही था 3830 या 3730 एंड 4120 के। इस लेवल के नीचे या ऊपर किसी भी दिन क्लोजिंग होगी तभी फ्रेश मूव होगी, अदरवाइज आप इस लेवल को प्ले करके चलो एंड देखो मार्केट ने उसी लेवल को प्ले किया। अगर आप किसी भी दिन 4120 से सेल किए हो 4120 के आसपास 40 पॉइंट 30 पॉइंट का सेल लेकर, तो आप देखो कितना फॉल हुआ है। एंड अगर आपने किसी भी दिन 3830 के पास जो हमारा नेक्स्ट लेवल था इंपॉर्टेंट, उसके आसपास इधर उधर बाई किए हो, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड मिला है। तो ये था लेवल एंड ये था मैजिक हमारे लेवल का कमाल। अब नेक्स्ट वीक के लिए जो लेवल है वो है लोअर साइड में 3830 एंड अपर साइड में 4120। ये क्लोजिंग बेसिस पे हमारा लेवल होता है, ठीक है। अगर 4120 के ऊपर क्लोजिंग होगी क्रूड की किसी दिन, तो फ्रेश बाइंग के लिए, ठीक है, जो कि थोड़ा सा स्ट्रांग बाइंग बोलेंगे। एंड अगर 3830 के नीचे क्लोजिंग होगी तो सेल के लिए, मतलब आप कैरी कर सकते हैं, लेकिन बाकी तब तक जब तक ये इस रेंज को ब्रेक नहीं कर रहा है आप भी इस रेंज को प्ले कीजिए। रेंज को प्ले कैसे करना है लास्ट वीक के वीडियो में बताया था, आप उस वीडियो को जाके एक बार रेफर कर सकते हैं कि कैसे इस रेंज को प्ले करना है। अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ कि इस रेंज को प्ले कीजिए, आपको डेफिनेटली जो है ट्रेड मिलेगा। क्रूड के जो ट्रेडर हैं उनको बहुत पता है, क्रूड के जो भी ट्रेडर हैं उनको अच्छे से पता है कि क्रूड के लेवल को जो है कैसे प्ले किया जाता है। एंड पूरे जो अपना वर्किंग टाइम है क्रूड का ट्रेड का, वो कितने ट्रेड दे देता है, लेवल वाइज पता होना चाहिए एंड लेवल को फॉलो करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि एज ऑन यू जैसे अभी तक मैं आप लोगों का हेल्प करता आया हूँ, मेरी जो वीडियो जो परफॉर्मेंस दी है वो ये भी वीडियो परफॉर्म देगी आप लोगों के विल विश से, आप लोगों के गुड विश से। एंड मेरी एक ही एडवाइस होती है सबसे जो भी मेरे को कॉल करता है कि टिप्स के पीछे मत भागिए, अपना प्लेटफॉर्म खुद से बनाइए, टिप्स वाले को बार बार पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, एक बार सीखिए एंड लाइफ टाइम काम कीजिए। आप सिर्फ अपने लर्निंग पे 2 से 3 महीने खर्च कीजिए, वो लर्निंग आपको पूरे लाइफ अर्न करने के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देगी, ठीक है। तो जो भी अगर इंटरेस्टेड है, चाहता है कि नहीं मुझे कुछ करना है, जिसके पास ये जुनूनियत है कि मुझे ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, वो नेक्स्ट बैच को ज्वाइन करे। बाकी जिसको टेलीग्राम चैनल घूमना है, यूट्यूब चैनल घूमना है, वो तो पूरे जब अभी तक घूम ही रहे हैं एंड आगे भी घूमते ही रहेंगे, क्योंकि उनके मन में यही है कि भैया हमको सब कुछ इधर से मिल जाएगा। तो मैं दोस्त एक बता देता हूँ इनडायरेक्टली क्लियर, जो भी हो माइंड मत करना प्लीज, या जो दिखा रहे हो कि हम जो है इसमें दे रहे हैं ऐसा करके,
आपको फ्री में कोई सिखाने वाला नहीं है। अपनी कोई भी हिडन चीज़, कोई भी हिडन चीज़ अपना फ्री में नहीं देता है। अगर फ्री में वो दे देगा तो फिर उसकी वैल्यू जो है फिनिश हो जाएगी उसी दिन, तो वो नहीं देता है। जो भी शेयर करता है वो अपने स्टूडेंट के साथ ही शेयर करता है। तो इसलिए आप सीखिए, एंड सीखना किससे है ये आपको पता है, जो काम कर रहा है उसके काम को देखिए, आपको समझ में आ रहा है तो सीखिए। सबसे पहले इंश्योर कर लीजिए, एक बहुत बड़ी बात जो कि मेरे बहुत स्टूडेंट ने शेयर किया कि लोग सर सिखा कुछ और रहे हैं, अपने कुछ और यूज करते हैं, तो इस चीज़ को भी ज़रा क्रॉस चेक कर लीजिए। मेरे क्लास में मेरे अपने स्टॉक एनालिसिस के पीछे जो भी फैक्ट होते हैं वो मैं अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूँ। अगर आप मुझे ज्वाइन करोगे तो वो फैक्ट आपके साथ भी शेयर किए जाएंगे। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर मार्केट में कोई अपना फैक्ट आपके साथ शेयर करता है इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर आपको मेरे फैक्ट जानने हैं, जो कि मेरी एडवांस जो भी एनालिसिस है हिडन वाली, ऑप्शन चैन डेटा रीडिंग का जो स्टाइल है मेरा, उसको सीखना है तो नेक्स्ट बैच को ज्वाइन कीजिए, मोस्ट वेलकम है। 17 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। Everything changes.